यहाँ पर बंधक रिहाई के लिए बड़ा मार्च किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विक्टिम हम भी हैं, हमले की शुरुआत हम पर हुई थी, हमने सिर्फ डिफेंस में जो किया वो किया, हमने इस हमले की शुरुआत नहीं की। तो बंधक रिहाई के लिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां इस युद्ध को रोकने के लिए, मांग करने के लिए सड़कों पर लोग उतरे, तो दूसरी तस्वीर ये भी है जहां पर बड़ी तादाद में बंधकों की रिहाई के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए, उन्हें रिहा किया जाए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में तेल टैंकर पर बड़ा खुलासा हुआ है। तेल पहुंचाना जंग जीतने की रणनीति है, महामारी से निपटने का दरअसल ये प्लान है जिसका खुलासा हुआ है। तो तेल टैंकर भेजा गया जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन इसके पीछे जंग जीतने की रणनीति क्या है ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जिसे आप समझना होगा। बताया जा रहा है कि अभी जो मौजूदा हालात है उससे बीमारी बढ़ सकती है, महामारी फैल सकती है। सांस की बीमारी के करीब 54,866 केस की जानकारी सामने आ रही है। फ्यूल का अभाव हुआ अगर और दफनाने में दिक्कत हुई तो महामारी का डर बढ़ जाएगा, लाशों के ढेर लग जाएंगे और ऐसा इसराइल नहीं होने देना चाहता। बढ़ती बीमारी में उल्टी दस्त के मामलों की भी आप लिस्ट देखिए जरा, 33,551 केस को लेकर जानकारी सामने आ रही है। त्वचा संबंधित रोगों की बात करें तो 12,635 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें त्वचा संबंधित बीमारी है। तो ऐसे में लंबी लड़ाई अगर खिंचती है, ये युद्ध लंबा खिंचता है, तो आईडीएफ जवानों की जान खतरे में पड़ जाएगी, आफत में आ जाएगी। अस्पताल में सेवाएं जारी रहे उसके लिए तेल का टैंकर पहुंचाना जरूरी था, बिजली की सुविधा जारी रहे, पानी मिल सके लोगों को और बीमारी का खतरा घटे, इसके लिए भी तेल टैंकर्स का पहुंचना जरूरी था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे थे कि इसके पीछे आखिरकार आईडीएफ की या इसराइल की रणनीति क्या है। इसराइली फौज का रक्षक बुलडोजर, इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही है। बता दें आपको, बलाटा कैंप में बुलडोजर से अटैक किया गया है, तो बुलडोजर का भी इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है अलग अलग इलाकों पर हमला करने के लिए। ये तस्वीर आप देखिए, तो कुछ ऐसी जगहें जहां पर शक गहराता है वहां बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जाता है इमारतों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इस बीच इजरायली फोर्स का रक्षक बुलडोजर, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर काम पर लगा हुआ है, इजरायली फोर्स का रक्षक बना हुआ ये बुलडोजर अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है। तो आगे आगे आपको बुलडोजर नजर आ रहा है और पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जहां हिजबुल्ला के ठिकाने पर इजरायली बम वर्षा हुई है, ये आप देखिए। तो एक तरफ हमास को टैकल कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी इजरायली बम वर्षा जारी है।